कीर्ति सोलंकी है और हम इंदौर से आए थे यहाँ पे यात्रा करने, तो हम गंगोत्री से दर्शन करके लौट रहे थे। हमारी गाड़ी पहाड़ के नीचे एकदम आई और ऊपर से ऐसे पत्थर गिरने लगे पानी के बहाव से कि हमारी मतलब गाड़ी पूरी चपटा हो गई। और हमारे साथ की जो लेडीज थी, एक तो डेस्क पार्टी खत्म हो चुकी है और बाकी मेरे हस्बैंड ने सबको खिड़की का कांच फोड़ फोड़ के सबको हमको बाहर निकाला। और बाहर निकल के फिर यहाँ पे हम थोड़ी दूर चले, फिर यहाँ पे एक दो लड़के उन्होंने बाइक से जा रहे थे, उन सब ने मदद मांगी कि हमको होटल तक छोड़ दो। फिर उन्होंने हमको होटल तक छोड़ा, फिर हम होटल के अंदर गए। ढेरे पर यहाँ के इतने घटिया लोग हैं, मतलब होटल वाले की कल हमको जरा सी हेल्प तक नहीं की। छोटे छोटे बच्चे, हमने उनसे खाने के लिए मांगा कि भले तुम डबल पैसे ले लो हमको खाना दे दो, पर उन्होंने खाना तक नहीं दिया बच्चों के लिए, साफ मना कर दिया, हमारे पास खाना नहीं। क्या कहाँ पर ये घटना बता रही हैं? पुल के यहाँ पे, गंगोत्री पुल के यहाँ पे। लोकल होटल वाले थे क्या? हाँ, वहाँ पर पुलिस वाले थे, SDRF तो पहुँच चुकी थी। अच्छा, कितने बजे आपके पास पुलिस पहुंची? हमारे पास में पुलिस आई थी अभी सुबह। अच्छा, रात ऐसे रहे आप वहीं पर? रात हम उस होटल में रहे, उस कमरे में मतलब 4-5 यंग लड़के थे, एक लड़के ने मतलब थोड़ा बहुत मेडिकल कर रखा था, तो उसने हमारी रेसिडेंसी कर दी थी, हमको पेन किलर विलर दे दी थी, उसने थोड़ी हमारी कुछ राहत मिली। वो कौन थे जिन्होंने हेल्प दी? वो भैया को हम नहीं पहचानते क्योंकि हम तो वहीं का लोकल था। नहीं, वो देवास से आए थे। अच्छा, राइट। तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बच्चों को खाने का बिस्किट दिया उन्होंने, मैगी वैगी उन्होंने उनके पास। तो प्रशासन क्या लेट में पहुंचे वहाँ SDRF वाले? लगातार बारिश हो रही थी, रोड भी खराब था, फंसी हुई थी गाड़ी, बारिश इतनी हो रही थी कि पुलिस भी नहीं आ पाई रात को। हालांकि प्रशासन लगातार प्रयास तो कर रहा था, लेकिन रोड खराब थी, लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते हुए बहुत मस्कसबाजी के बाद आखिरकार यात्रियों को वहाँ से निकाल दिया गया। अभी जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। आप क्या बोलेंगे आप अभी जिला अस्पताल में जो आपको दवाई मिल गई है? दवाई अवाई तो मिल गई, ट्रीटमेंट तो चल रहा है, ये तो सब कुछ ठीक है। पर प्रशासन को एक बार फिर बोलूंगी कि यहाँ की बारिश में यात्रा बंद कर दो। अगर आप जगह जगह अस्पताल नहीं बनवा सकते तो आप यात्रा बंद कर दो, ताकि कल से और दूसरे यात्रियों को इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़े।